कृपया ध्यान दीजिए। रेल फैंस एनईआर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक छोटी सी जर्नी करने जा रहे हैं गोला रेलवे स्टेशन से लखीमपुर रेलवे स्टेशन तक। ये जर्नी हम करेंगे मैलानी लखनऊ जंक्शन अनरिजर्व एक्सप्रेस 05085 से। इसमें हम आपको गोला एसएसपी और टीएसएस प्रधान का व्यू भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सामने देख सकते हैं ट्रेन नंबर 05085 अब गोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइव कर रही है। आती होगी आपके घर? नहीं आई है शरद वाला भैया, वो भाभी के साथ पढ़ाता है। अच्छा अच्छा, तो शरद वो गया तभी नंबर ले लिए हैं। अच्छा, बात हो तो पीछे रुक गई हमें लग रहा है, नहीं आगे आएगी। तुम लोग की आवाज़ आएगी बता दे रहे हैं यूट्यूब पर। पकड़े हैं इधर दो तरफ का। हम डिपार्ट कर रहे हैं गोला रेलवे स्टेशन से। Thank you.
वहाँ पर रेल ओवरब्रिज का कार्य भी चल रहा है। राजागंज हाल्ट, आपको बताते हैं राजागंज हाल्ट की आप स्थिति देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये कोई हाल्ट है, ऐसे लगेगा आप किसी जंगल में आ गए हैं, क्योंकि पूरे जो हाल्ट है उस पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं। मेरा रेलवे से ये रिक्वेस्ट है, वो इस पर कुछ ध्यान दे, और हाल्ट जितने भी हाल्ट इस रूट पर पड़ते हैं उन सबकी दशा ऐसे ही हो गई है। मेरा रेलवे से रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और थोड़ा कार्य इस पर किया जाए।
दोस्तों अब हम पहुँचे हैं फरधान रेलवे स्टेशन पर। आपको बताते हैं जो फरधान का TSS है वो यहीं पर स्टेशन के बगल में बन रहा है। हम आपको उसका भी व्यू कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं। निकल रहे हैं फरधान रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन फरधान रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। देखिए सामने प्रधान TSS का व्यू। आपको बता दें KPTL का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने जो बहुत रफ्तार में कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं TSS का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और जल्द ही इसका पूरा होने की उम्मीद है। इसी के साथ आपको एक और अच्छी खबर दे दें, जो खैराबाद में जो TSS बना हुआ है उसका जो उद्घाटन है, उसका जो लोकार्पण है वो 24 जुलाई को किया जाना है। अगर कोई खैराबाद या उसके आसपास से वीडियो देख रहा है तो उससे मेरा ये अनुरोध है, कृपया लोकार्पण का एक अच्छा सा वीडियो हमें बनाकर भेजने का कष्ट करें। उनका बहुत बहुत आभार होगा अगर वो वीडियो बनाकर भेज सकते हैं तो।
हम पहुंच रहे हैं इस वक्त देवकली हाल्ट पर। यहाँ भी वैसा ही हाल है जैसा हमने आपको राजागंज का दिखाया था। हाल से डिपार्ट कर रहे हैं, हम आपको लखीमपुर एसएसपी का भी व्यू दिखाएंगे। ये लखीमपुर एसएसपी का व्यू, हालांकि ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी इससे हम आपको दिखा नहीं पाए। लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और यहीं पर हमारी यात्रा समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।